वर्तमान में सोयाबीन की खड़ी फसल में पानी की बहुत अधिक जरूरत है और पानी गिरे बहुत दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही तेज धूप और लंबी हवा ने किसान की चिंता और बढ़ा दी है। एक दो दिनों से तो तेज हवा चल रही है और तेज धूप भी निकल रही है, जिसकी वजह से खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। अगर कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहा तो फसल में नुकसान संभव है, क्योंकि अब सोयाबीन को पानी की बहुत अधिक जरूरत है। इसी चिंता के साथ ही खड़ी फसल में जो फली आ रही है वो भी कुछ कीट की वजह से टूटकर जमीन पर गिर रही है, जिसके कारण उपज में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों की चिंता बढ़ रही है, चाहे वो तेज हवा हो, तेज धूप हो या फसल में इल्ली। इसके साथ ही कुछ कीट के कारण भी फलियां टूट रही है। इसके बावजूद भी किसानों को महंगी से महंगी दवाई का स्प्रे भी करना पड़ रहा है।